वारदात की तस्वीरें आ रही हैं। लगभग 3 घंटे का वक्त अब बीत चुका है क्योंकि भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे ये गोली चलाई गई थी पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे पर। उस वक्त की तस्वीर देखिए जब वो भाषण दे रहे थे नारा शहर में, पीछे से ये डबल बैरल गन से क्लोज रेंज से ये शॉट फायर किया गया, जिसके बाद शिंजो आबे सड़क पर गिर गए। उनके सिक्योरिटी पर्सनल हरकत में आए और उन्हें एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। एक के बाद एक ये तस्वीरें हमारे सामने आई जिसमें एरियल शॉट्स से लेकर जो क्लोज रेंज शॉट्स थे उसमें साफ हो रहा है कि शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर है। जब उन्हें गोली लगी तो वो बेहोश हो गए, जमीन पर आ गिरे। इसके बाद उन्हें CPR भी दिया गया। ये बताया जा रहा है कि उनको दिल का दौरा भी पड़ा। अब हमलावर की पहचान हो चुकी है, यामागामी टेत्सुया इस हमलावर का नाम बताया जा रहा है जो कि मैरीटाइम नेवी से जुड़ा हुआ है, पूर्व नौसैनिक है, यामागामी 43 साल का ये बताया जा रहा है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, जाहिर तौर पर नौसैनिक है, ट्रेनिंग तो रही होगी हथियार चलाने की। जी हां, जो जानकारी नेहा इस समय निकलकर सामने आ रही है, 41 वर्ष का है तुत्सुयो यामागामी, पूर्व मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में रह चुका है ये व्यक्ति। जिस हथियार से गोली चलाई उसके बारे में भी कुछ और जानकारी अभी मिल पाई है। इसे 12 बोर की शॉटगन बताया जा रहा है, जिसको आगे से काटा हुआ था और किसी तरह का काला कपड़ा या टेप इस पे लगाया था ताकि एक तरह से ये लगे कि ये मीडिया का कोई उपकरण है, चाहे वो ट्राइपॉड हो या कैमरा हो उस तरह से। और ये वहां पर एक इलेक्शन रैली में जहां जर्नलिस्ट खड़े थे, मीडिया वाले खड़े थे, उनके पीछे से आया प्रारंभिक जानकारी में इस तरह की खबर आ रही है। और इसके बाद से बहुत करीब से इसने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर गोली चलाई और गोली पीछे से उनके उनकी गर्दन में और सीने के पास होती हुई निकली है। और ये जो 12 बोर का शॉटगन जिसे कहते हैं, इसमें एक कार्ट्रिज में 8 से 12 छर्रे होते हैं और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं शरीर को। और इसीलिए प्रारंभिक जानकारी में ये भी आया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के कोई वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वाइटल साइंस उस समय नहीं मिल रहे थे उनके, और इसीलिए हृदय गति नहीं थी, जो खून था वो बहुत ज्यादा बह रहा था। अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो कुशीदा, वो टोक्यो वापस लौट रहे हैं, एक इमरजेंसी बैठक होगी और उसके बाद औपचारिक जानकारी दी जाएगी। नेहा,